हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं, मैंने आपको टाइम दिखा ही दिया, इसमें सही नहीं दिख रहा, दिखा दिया वैसे मैंने आपको, 4:53 हो रहे हैं और 4:30 बजे उठ गई थी। तो फ्रेश व्रेश हुई हूँ, हाथ मुँह धोया, भगवान जी की लाइट खोली, तो इतना 10-15 मिनट इसी में ही चले जाते हैं, 15-20 मिनट। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, रात मैंने ना वेंटिलेशन अपना बंद ही नहीं किया था, तो शायद पानी भी नीचे गया होगा, पर सूख गया होगा, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और बाहर जाके देखा तो बारिश हुई है, बड़ा ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आगे वाले रूम में हूँ। तो चलो, मैं क्यों उठी हूँ इतनी जल्दी, और डेली ही मैं इतनी जल्दी उठूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे अब, कल से ही उनका स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। वैसे 5 बजे उठ जाती, और नहीं तो फिर 6 बजे भी, पर ना तो मेरी पूजा पाठ सही से हो पाएगी और ना मैं नहा के अपने बच्चों को टिफ़िन दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब से अपनी ससुराल में आई हूँ मैंने कभी बिना नहाए कुछ बनाया ही नहीं है किचन में। तो चलती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती, नहीं तो लेट हो जाऊँगी मैं, और अपना काम करती हूँ। अभी तो मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाऊँगी, पहले मैं ऊपर का जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह सब कुछ झाड़ू पोछा करती हूँ, और उसके बाद फिर नीचे जाके दरवाज़ा खोलूँगी, क्योंकि अभी टाइम कम है, नहीं तो अभी से जाके मैं दरवाज़ा खोल दूँ, देखूँ तो कोई आ जाए तो इसलिए थोड़ी देर से खोलूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है, और बस अभी लगा रही हूँ मैं बालकनी में झाड़ू, और इसके बाद फिर मैं इधर लगाऊंगी। पता नहीं क्यों सबसे पहले दिल बालकनी में ही करता है झाड़ू वगैरह लगाने का। नीचे अभी नहीं गई हूँ क्योंकि अंधेरा है, और अभी से ही मैं दरवाज़ा खोल दूँ नीचे, और मुझे रहना है अभी ऊपर काफ़ी देर तक, तो फिर नीचे ना सब लोग सो रहे हैं अभी, तो खोलना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग कल का है, तो कल था मंगलवार, तो मंगलवार के दिन मैं सुंदरकांड ज़रूर चलाती हूँ, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है और नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, और टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं मोबाइल वगैरह में लगा देती हूँ साउंड में, तो सुनने से भी उसके मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, घर में चलाओ उसकी बाइक। वाइब्रेशन अलग होती है, घर में पॉजिटिवनेस आती है, तो बस अब मैंने पूरे घर में लगा दी है झाड़ू, और फिर उसके बाद सबसे पहले पोछा लगा देती हूँ मंदिर में, मंदिर के बाद ही और जगह में लगाऊंगी, और मंदिर का जो पोछा है वो सब कुछ अलग रखती हूँ मैं। और आप लोग ये मत कहना कि बिना नहाए पोछा लगा रही, क्योंकि मैं नहाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं टच करती हूँ, चाहे मंदिर का हो चाहे बाहर का हो, नहाने से पहले ही मंदिर का झाड़ू पोछा हो जाता है। और जब मैं आप लोगों से बात करी, जब उठी थी तो उस टाइम मैं फ्रेश वगैरह होके आई थी, तो उस टाइम पानी नहीं पिया था। अगर आप फ्रेश होने के बाद पानी पीते हो ना, तो आपका पेट का जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाता है, मतलब आपका जो पेट है बिल्कुल सही नहीं रहता, तो उसके ना 15 से 20 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। और यहाँ मैं पी रही हूँ पानी, मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है, और ये केतली इतनी अच्छी है, लाइट वाली केतली है, तो बहुत जल्दी इसमें पानी गर्म हो जाता है, तो कम से कम 2 से 3 गिलास मैं पानी पी लेती हूँ सुबह के टाइम। फिर इसके बाद मैं अपना जीरा वाला पानी, जो कि मैं काफ़ी देर बाद पीऊँगी, पहले पूरे काम वम करूँगी उसके बाद में। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम 5:41 हो रहा है, ये अच्छा ये इधर से नहीं होता, 5:41 हो रहा है, और मैंने अपना जीरा वाला पानी बना लिया है। मॉर्निंग वॉक करके आ गई मैं, और मम्मी जी के साथ में गई थी, पर मम्मी जी बहुत पीछे रह गई, मैंने कहा मम्मी जी आपके साथ चलूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। 5:41 हो गए, मॉर्निंग वॉक भी हो गई, अभी दिन जल्दी निकल आता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बड़ा मज़ा आता है जब मॉर्निंग वॉक करो सुबह सुबह, और इतनी ठंडी हवा चलती है। तो चलो, मैं अपना बाहर बैठ के बालकनी में पी लेती हूँ, या फिर छत पे चलती हूँ। चलो छत पे चलते हैं, सुंदरकांड अभी बचा है, कितने मिनट का बचा है, 20 से 25 मिनट का बचा है अभी, तो चलो चलते हैं ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने सोचा जीरा पानी पीते पीते आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मेरी आदत एक ऐसी है, जिस चीज़ को मैं ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ, किसी चीज़ में मेरी आदत हार नहीं मानने की, तो
रात मैंने सोचा था कि मैं 4:30 बजे करेक्ट उठ जाऊंगी, और मैंने मेरे मोबाइल में नहीं लगाया था अलार्म। करेक्ट मैं 10:30 बजे बिस्तर पे मतलब सो गई थी। मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप अलार्म लगा देना, और उनको गर्मी लगी तो वो आगे आ गए, तो उनके अलार्म बजने से पहले ही मैं बिस्तर पे से उठ गई थी आज। और ये मुझे आगे से कॉल लगा रहे हैं कि उठ जाओ, मैंने कहा मैं उठ चुकी हूँ। तो मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ, एक बार जो चीज़ ठान लो करके रहो। तो चलो अभी इसका मज़ा लेते हैं, और बस अभी मैं इसको पीने के बाद सीधे जाऊँगी, पोछा लगाऊँगी और फिर सीधे नहाऊँगी, अनिक को उठाऊँगी, क्योंकि अनिक का स्कूल 8 बजे का है, नाइशा का 9 बजे का। फिर मुझे नहाने के बाद ही मैं उनका ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद यहाँ पर सीधे मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, और दिखाती हूँ आपको बाहर बेलपत्र की भी मेरी पूजा मैंने कर ली है। और फिर अब चलते हैं नीचे, नीचे बनाते हैं सीधे चल के खाना। बच्चों को स्कूल भेज दिया था, और उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी जल्दी में जाते हैं और सारी उनकी तैयारी, ब्रेकफास्ट, लंच, ये वो, तो तैयारी करने में इतना वक्त लग गया कि ब्लॉग आज मैं शूट ही नहीं कर पाई। बच्चों का जाने वाला स्कूल, तो कोई बात नहीं, कल के ब्लॉग में आपको मिल जाएंगे बच्चे भी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खाने में आज दाल चावल, और आप लोग कहते हो मुझे कमेंट कि आप लोग दाल चावल बहुत बनते हैं। तो नॉर्मली जो दोपहर का खाना होता है वो दाल चावल रोटी सब्जी ही होता है, और हमारे पापा जी को सब्जी रोटी अगर बना दो दोपहर में तो इतने अच्छे मन से नहीं खाते हैं वो, तो इसलिए प्रॉपर पूरा खाना ही बनता है। और मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली में दाल चावल ही बनता है, शायद हाई फाई फैमिलियों में कुछ बनता हो अलग, पर हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल खाना बनता है। और आपने देखा होगा मैं रहती हुई बड़ी सिंपल तरीके से हूँ, ज़्यादा मतलब मैंने कई ब्लॉगर्स को देखा है कि बहुत मतलब ओवर एक्टिंग भी करती हैं, जो है नहीं वो दिखाती हैं, और कई कई तो ऐसी हैं गांव की, इतनी मतलब इंग्लिश बोलती हैं, इतना इंग्लिश बोलती हैं मुझे कभी कभी ना बड़ी हंसी आती कि इतना बनने की क्या ज़रूरत है। ये जो ऑडियंस हमें देख रही है ये बेवकूफ़ थोड़ी ना, ये सब समझती है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल चावल बन गए थे और दाल भी बन गई है, तो एक तरफ मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के मम्मी जी ने प्याज हरी मिर्च काट के रख दिया था, तो बस फटाफट से मैं तड़का लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, गैस का जो लाइटर है वो ख़राब हो गया है, और कई बार मैं हस्बैंड से कह भी चुकी हूँ कि प्लीज़ ला के दो दो, बार बार माचिस से मुझे जलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने दाल को फ्राई कर दिया है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। और मम्मी जी ने कहा है कि गौरी थोड़ा सा पापड़ सेक लेना, और मना करा है कि तेल में मत सेकना, ऐसे ही गैस पर सेक लें। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको पसंद हो। मुझे ना थोड़ा तेल वाले, जो तेल में तलते हैं ना, वो वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, और ये तो ऐसा लगता है जैसे गले में अटक रहे हो सूखे सूखे से, पर उनको ऐसे ही पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही आपको सेक देती हूँ। और दोनों लोग वेट कर रहे हैं आगे खाने का, और बस उनको देते हैं खाना। हस्बैंड तो अभी ड्यूटी से नहीं आए, बच्चे अभी स्कूल हैं, बस हम ही तीन लोग हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पापा जी के लिए खाना लगा दिया है, और पापड़ रह गए हैं वो भी देख के आ जाती हूँ, पानी तो पहले ही रख दिया था। तो बस, और फिर मैं आ गई हूँ ऊपर, खाना खिलाकर उनको ना एक मतलब फ्री हो जाती हूँ, ऐसा लगता मन हल्का हो गया, नहीं तो टेंशन लगी रहती है। अब मैं जो अपने काम हैं, जैसे कपड़े ऊपर धुलने के लिए डालूंगी, पहले तो मशीन में अभी धुलेंगे कपड़े, फिर उसके बाद ऊपर डालना है। और जो प्लांट हैं उनमें भी काफ़ी दिन से पानी नहीं पड़ा है, जो सीढ़ियों के बीच में रखे रहते हैं इनडोर प्लांट, उनमें भी पानी डालना है।
तो बस एक एक मग्गा उनमें पानी डाल दूंगी मैं, और ज़्यादा पानी डालो ना तो पोछा लग चुका है तो वो पानी बह के नीचे ही जाएगा, तो इसलिए बहुत कम कम पानी डालती हूँ इनमें। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग सोच रहे होंगे आपने खाना नहीं खाया, तो मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगी, अभी मुझे भूख भी नहीं लगी है और अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं ड्यूटी पे से, तो जब वो आएंगे तो साथ में ही खाना खाऊंगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।